दिल्ली की अदालत ने केरल से सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ी राहत दी है। वर्चुअल कोर्ट में जज गीतांजलि गोयल ने फैसला सुनाते हुए बोला, आरोपी को मामले में आरोप मुक्त किया जाता है। सुनवाई के दौरान शशि थरूर भी मौजूद थे। थरूर ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ये 7.5 साल का वक्त मेरे लिए बहुत ही यातना भरा था, मैं इस फैसले के लिए शुक्रगुजार हूँ। फैसला आने के बाद शशि थरूर ने ट्विटर पर एक चिट्ठी पोस्ट की। इसमें उन्होंने जज गीतांजलि गोयल का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि मैं जज गीतांजलि गोयल का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए आरोपों से मुक्त कर दिया है। मैं इन आरोपों को लगातार निरर्थक बताता रहा हूं। इस फैसले से मेरे उस बुरे सपने का अंत हो गया है जो मेरी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद शुरू हो गया था। मेरे ऊपर दर्जनों आरोप लगाए गए, मीडिया द्वारा दुष्प्रचार किया गया, लेकिन मेरा भरोसा भारतीय न्याय व्यवस्था पर बना रहा, जो कि अब सही साबित हुआ है। भारतीय न्याय व्यवस्था में कई बार लंबा प्रोसेस ही सजा बन जाता है। खैर, ये फैसला मुझे और मेरे परिवार को सुनंदा की मौत का शांतिपूर्वक शोक मनाने का मौका देगा। मैं अपने सभी वकीलों का शुक्रगुजार हूँ जो इस केस को इस मुकाम तक लाए। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला पैलेस होटल में कमरा नंबर 345 में मिली थी। तब शशि थरूर ने बताया था कि जब सुनंदा काफ़ी देर तक नहीं जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बता दें कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर कुछ वक्त से होटल में ही रह रहे थे क्योंकि उनके घर में मरम्मत का काम चल रहा था। पुलिस ने शुरुआत में खुदकुशी की बात कही और इस बात से इनकार नहीं किया कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हो सकती है। उस दौरान सुनंदा का मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा था। बताया गया कि सुनंदा को ल्यूपस एरिथेमेटोसिस नाम की बीमारी थी। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि शरीर के स्वस्थ टिश्यू को ही मारने लग जाता है। हालांकि इससे पहले सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार की वजह से मनमुटाव की खबरें भी आई थी। पत्नी की मौत के मामले में शशि थरूर पर 21 फरवरी 2014 से केस चलना शुरू हुआ। उन पर आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता से पेश आने और सेक्शन 306 के तहत खुदकुशी करने के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। शशि थरूर को इस मामले में कई बार जमानत लेनी पड़ी। अब बताते हैं कि सुनंदा की मौत में शशि थरूर का नाम कैसे आया। जनवरी 2014 सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता है कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची थी। साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सका कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में एल्प्राजोलम, जो कि एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, उसकी नाममात्र मात्रा में मौजूदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई। सितंबर 2014 मौत के लगभग 9 महीने बाद एम्स के डॉक्टर्स ने शरीर के ऑर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। सभी जांचों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे एम्स ने दिल्ली पुलिस को सौंपा था। जनवरी 2015 ये केस सुसाइड से बदलकर मर्डर की तरफ मुड़ गया। दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की बल्कि मर्डर का केस है। दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। फरवरी 2016 दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशि थरूर से पूछताछ की। शशि थरूर ने ड्रग ओवरडोज की बात कही। मार्च 2018 दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने के चार्ज लगाए। 3000 पन्ने की चार्जशीट दायर हुई। चार्जशीट में यह भी लिखा था कि शशि थरूर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आते थे। जून 2018 शशि थरूर को दिल्ली में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। थरूर ने कहा कि वो निर्दोष हैं और कोर्ट में सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। शशि थरूर के खिलाफ केस 21 फरवरी 2019 से शुरू हो गया। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर निशाना लगाती रहीं। इस फैसले के बाद उन्हें फौरी राहत तो जरूर मिली है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।